हेलो वेलकम स्टूडेंट। हमने सीरीज स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, फर्स्ट स्टेट बोर्ड प्रैक्टिकल साइंस के। हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, राइट है। यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर लो। लेटेस्ट वीडियो उसका देख सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन द पीएमएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलो। इसका वैल्यू दिया है हमें 1 to 4 प्रोबेबिलिटी, 9। हम पहले उसका टेबल बनाएंगे। क्या टेबल बनेगा लिखेंगे, वी कंस्ट्रक्ट द टेबल एज फॉलो। वी कंस्ट्रक्ट टेबल एज एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे, एक्स आई। एक्स आई का वैल्यू कौन कौन सा दिया है हमें, दिया है 2 दिया है, 3 दिया है। तो पी आई कितना है, फर्स्ट वैल्यू हमें दिया है 1/30, सेकेंड है 4/30, थर्ड है 9/30 और फोर्थ है 16/30। इन सब का सम करने के बाद ये वैल्यूज हो गई एक्स के बाद हमें लिखना है डिविजन के बाद एक्स स्क्वायर इनटू टेबल। हम मल्टीप्लाई करो 1 × 1 और 2 × 4 यानी 8 होगा, 8/9 × 10/30, 4 × 6 राइट। सबका एडिशन करना है 1, 8, 9, 4 8 करके देखो। अभी मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू, तो एक्स इंटू एक्स किया तो एक्स किया है तो मल्टीप्लाई, तो वैल्यूज हम लिखेंगे 1 × 1 यानी 2 × 4, 2 × 8 है 3/30, 3 × 27 है 4। एडिशन एडिशन क्या, 1 है 81, 256 एडिशन बन। इसके हिसाब से हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करें टॉप एक, राइट। तब फार्मूला में क्या रहता है, साइन वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, आई इज इक्वल्स टू 1 to n लेयर। तो वैल्यूज हमने इधर फाइंड आउट किया है डायरेक्ट, 100/ 0 0 में काट लिया तो 10/3 हो गया, 3 से इधर काट दिया तो 3 × 3 = 9, 0.3 देना है 1 10 अगेन 3 यानी वैल्यूज ऑफ मीन यानी ऑफ एक्स हम पोस्ट वैल्यू आउट। अब हमें वेरिएंस फाइंड आउट कर, वेरिएंस देखो वेरिएंस कैसे सॉल्व, वेरिएंस का क्या रहता है फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वेयर रहता है माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर इंटू पी आई, ये फाइंड आउट किया है 354/30। क्या वैल्यूज आएगा
पी वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया था कि कंपेयर कर 350 by 30 10 का स्क्वायर 100। फिर अब हम बेस सेम करें, क्या करेंगे बेस सेम, तो मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ और इधर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 × 3 क्या बनेगा 90 और 9 × 10 किया तो वो भी 90 बनेगा, राइट। तो बेस हमारा 90 बन गया, तो 3 × 3 = 54 किया तो मल्टीप्लाई 1062 आएगा, माइनस 100 × 10 किया तो 1 का सब्ट्रैक्शन कितना हो 9। इससे सिंप्लीफाई किया तो 1/45 पॉइंट में एंड तरह से वेरिएंस ऑफ एक्स आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट। हमें तो खाली दो टर्म बोला है तो हम दो टर्म ही लिखे, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन 4। एग्जामाइन द फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा, यानी पहले आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 8x-4, राइट। तो डिफरेंशिएट करो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स है एक्स 3x² है माइनस 5 × 2 क्या आएगा 10 और प्लस 8 फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, गेन डिफरेंस, गेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। एफ डबल डैश ऑफ एक्स 3 × 2 6x रहेगा और माइनस, ठीक है। अब हमें लिखना है फॉर और मिनिमा, मिनिमा और मिनिमा के लिए हम वैल्यूज लेते हैं एफ डैश, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम को लेना है x² - 0 इधर 24 के ऐसे दो फैक्टर्स है करने की 24 आने चाहिए, लिख 10 की जगह मैं लिखूंगा x² - 0। इनमें से हम कॉमन निकाल सकते, कॉमन आएगा 3x इन कॉमन ले, x-2 भी रहेगा इधर x-2 इंटर में x-, फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 लिखो, x = 2 फर्स्ट वैल्यूज बन गई, सेकेंड वैल्यूज क्या रहेगी 3x-3 = 0 3x = 4 दो वैल्यूज बन गई, दो वैल्यूज लेके हमें, ठीक है। तो देखो पहली वैल्यूज कौन सी थी, फर्स्ट वैल्यूज एट x = 2 थी, राइट। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना रहता है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया था हमारा -10 है, राइट। तो वैल्यूज 2 पुट करना है, तो 6 × 2 = 12 किया तो 12 - 10 = 2, वैल्यूज कैसी है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हमारा x क्या f, f इज मिनिमम, f इज मिनिमम एट x = तो f मिनिमम क्या है तो f ऑफ 2। अब इस इक्वेशन में पुट करना है,
क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 2 मल्टीफाई कर, 2 क्यूब यानी 8, 2 स्क्वेयर 4, 4 इंटू 5 यानी 20, प्लस 8 इंटू 2 16, माइनस वैल्यू देखो क्या बन, 24 ये 60 एफ हमें 0 एट एक्स इज इक्वल राइट। दूसरा वैल्यूज क्या था एट एक्स इक्वल टू 4/3 था, 4/3 पुट करते थे। एफ डबल डैश ऑफ इज इक्वल टू 16 × 4/3 लिख, माइनस 3 से काट लिया तो 2 हो रहा है, 2 × 4 यानी 8, 8 − 10 माइनस विच इज़ लेस देन, और लेस देन है तो हमारा एफ क्या रहता है, इज मैक्सिमम एट एक्स इज, तो एफ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर, एफ मैक्स ऑफ 5/3 गिवन इक्वेशन में 4/3 थ्री 5 × 2 प्लस 8 × स्क्वेयर सिंप्लीफाई करेंगे 64/27, 16 × 5 किया तो 80 का स्क्वेयर प्लस 2/3। और 3 से बेस सेम ले लेंगे हम इधर 27, तो 64 इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो −240 आएगा, इधर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 88 आएगा, प्लस इधर 27 से ही मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यूज माइनस प्लस करके देखना है एफ मैक्सिमम कितना 20 एट पॉइंट 4/3 एक्स इज इक्वल। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ।